हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब लोग? अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे, वंडर पार्क नेरुल में है। तो आपको दिखाती हूँ उसके आगे का। ये देखिए, हम लोग रेडी हो गए, चलो। एक्साइटेड है, बोलते बन। तो यहाँ जब हम आए तो हमने देखा इतनी सारी रश थी, आप देख सकते हो। हम फ्राइडे को आए थे तो ये इतने ज़्यादा लोग थे आज, मतलब अनएक्सपेक्टेड लोग थे। एंड सारी जगह से फुल, आप देख सकते हो, ये लाइन के लिए, टिकट्स के लिए लाइन है ये। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये तो सिर्फ बाहर, अंदर और ऑलरेडी लोग हैं। तो ये बाहर का नज़ारा है। और टिकट्स काउंटर में भी जो राइड्स के जो टिकट्स है, हाईटेक राइड्स, सारे बंद हो चुके थे, सिर्फ एंट्री के टिकट्स हमको मिल रहे थे। तो आप देख सकते हो। तेरा भी लू, तू तेरा भी लेती, खड़े रहना, खड़े रहना उधर, करे ऐसे वीडियो तो ले ली। मैं टिकट बघतो, तुम्ही इकडे फिरा। चिचेन इत्झा at the mouth of the well of the Itza.
तो ये पार्क की एक खासियत है कि यहाँ पे जो हमारे वर्ल्ड के 7 वंडर्स है, मीन्स मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, तो वो उसके सब रेप्लिकास बना के यहाँ पे बच्चे लोग को एक क्या बोलते हैं, समझ देने के लिए कि हमारे 7 वंडर्स है वर्ल्ड के, तो ये रेप्लिकास बनाए हैं ताकि बच्चों को, और उसके बारे में पूरा डिटेल्स भी बताए, जैसे मैंने आपको दिखाया है वो बोर्ड पे। तो ये सारे बहुत बहुत ब्यूटीफुल था यहाँ पे, बिकॉज़ बच्चों को एक अच्छा एजुकेशनल, अगर उनको पता नहीं है तो हम उनको बता सकते हैं कि ये सारे मॉन्यूमेंट्स जो यहाँ पे है, हर किसी को तो पॉसिबल नहीं होता है पूरे वर्ल्ड में ये रियल में देखना। तो उन्होंने यहाँ पे एक रेप्लिकास बनाए हैं, जैसे ये पेट्रा करके है स्टोन, द ट्रेजरी, इसका देखिए ग्रीक का है ये मॉन्यूमेंट। तो बहुत बहुत बढ़िया और बहुत लाइक बच्चों को समझाने के लिए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखिए आप यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल था, उसके जो रेप्लिकास थे वो भी बहुत ब्यूटीफुल थे। मतलब इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब ये पार्क जो कि बच्चों को है तो खेलने के साथ साथ थोड़ा नॉलेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अच्छा लगा यहाँ पे। तो ये ताजमहल है, जैसे आप सब लोगों को पता है, बहुत ही ब्यूटीफुल था इसका ये जो उन्होंने रेप्लिका बनाया है, बहुत ही सुंदर था और बच्चों को बहुत खुशी हुई देख के, ये बहुत ब्यूटीफुल है ये। तो ये हाईटेक जो हाईटेक राइड्स है, तो यहाँ पे बच्चों को बहुत इच्छा थी जाने की, बट हम नहीं लेके जा पाए बिकॉज़ यहाँ के टिकट्स हमारे पास नहीं थे, और जिनके पास भी ये हाईटेक राइड्स का टिकट था वो लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है साइड में, तो ये उनके है, तो हम यहाँ से ही देख के बस यहाँ से निकल चुके, यहाँ से निकल लिए बिकॉज कोई मतलब नहीं था। हाईटेक राइड्स अवेलेबल नहीं है, सैड, बोरिंग बोर हो गए, क्योंकि राइड्स हम लोग को करना था, वही सोच के हम लोग आए थे, बट बैड लक, नेक्स्ट टाइम आएंगे तभी देखते हैं। तो हम यहाँ रुके हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर में फाउंटेन शो चालू होने वाला था। ये इस पार्क का खासियत है, ये शो बहुत लाइक फेमस है ये पार्क के लिए, तो यहाँ पे हम उसी के लिए वेट करते कर रहे हैं। तो अब देखिए आप भी, अरे चुप बैठो ना, आइए आइए, या 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 आइ
मैं आ रही हूँ। हो गया, वो दिखा दे जल्दी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने बहुत इंजॉय किया, मतलब बहुत सुंदर व्यू जो था ना सामने से देखना, ये बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग था। तो बच्चे भी एकदम खुश हो गए, लाइक देवर लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनको ये हाईटेक राइड्स वाइड्स का सब भूल ही गए और इसमें ही अपना देखने में एकदम इंजॉय कर रहे थे। और बीच बीच में से जो शॉवर्स हो रहे थे हमारे ऊपर, तो बहुत ही मज़ा आया। हवा ये गाड़ है ना, पानी से गिरा जाओ। ये बोल दे उड़ा नहीं लेने का पानी में ना। Thank you.
एग्जिट ले रहे हैं। अरे बोल रहे नहीं बताओ बस 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 सीधा बस सीधा बस जल्दी तो आएगी। वॉशरूम है जाने ये बच्चे लोग का राइड से अगर स्वरा तिकड़े तुला चढ़ाई का वर जा 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 तिकड़े बस तो इधर बस इधर जा आतमध्ये जा पड़ 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 आतमध्ये जा जा आतमध्ये चढ़वर तू भी चढ़ तेरा नहीं है नेट पकड़ा पकड़ उसको पड़ा मैं जा रहा झूला में चोट लगेगा सदिका डर लगता है थाम 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 उधर हम लोग नहीं जा सकते वरना मैं चढ़ती थी अभी तो बस बस तू दिखा उसको इसको दिखा ना कैसा बैठने का देख हाँ Thank you.
सकते हैं बहुत ज़्यादा रश था, बाहर भी बहुत ऑटो मिलने के लिए प्रॉब्लम था, कैब भी मिलने के लिए अंदर आ ही नहीं रहा था मेन गेट पे जो कैब है। तो ये सब करने के बाद में हम लोग गए KFC और कुछ हमें ऑर्डर लिया, पिकअप किया और घर पे जाके हमने आराम से बच्चों के साथ खाया। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो है कोमल कालखेर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।